प्रॉब्लम नंबर सेवन इज अ फोर के जी बॉल ट्रेवलिंग विदीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड चार के जी की बॉल कितनी स्पीड से टू मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्राइक करती है अ रिजिड वॉल के साथ एंड रीबाउंड इलास्टिकली और रीबाउंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो क्लिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड्स अगर उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहती है इतने सेकेंड्स के अंदर तो हमने फाइंड क्या करना है द मोमेंटम इम्पॉर्टेंट टू द वॉल जो मोमेंटम इम किया गया बॉल की तरफ से वॉल के ऊपर एंड द एवरेज फोर्स एग्जेक्टेड ऑन द वॉल और कितनी ज्यादा से ज्यादा फोर्स बॉल की तरफ से वॉल के ऊपर अप्लाई की गई ये हम लोगों ने फाइंड करनी है गिवन डाटा क्या है मैथ ऑफ द बॉल स्पीड ऑफ द बॉल टाइम टी फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स मोमेंटम एग्जेक्टेड टू द वॉल डेल्टा पी फोर्स एग्जेक्टेड ऑन द वॉल फोर्स एफ एवरेज अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं एज फॉर इलास्टिक कोलिजन चेंज इन मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है चेंज मोमेंटम में इलास्टिक के लिए जब कोलिजन होती है तो हमारे पास जो मोमेंटम होता है स्टूडेंट्स वो होता है डेल्टा पी विच इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल मोमेंटम अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पी प्लस पी ये क्यों है क्योंकि हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहा कंजर्व सो इच विल बी इक्वल टू टू पी तो हमारे पास जो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स टू एम वी पी की जगह हम लोगों ने लिख दिया एम वी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे पुटिंग वैल्यूज वैल्यूज पुट करने के बाद डेल्टा पी विल बी इक्वल टू टू क्रॉस फोर के जी मल्टीप्लाई बाय टू मीटर पर सेकेंड सो डेल्टा पी विल बी सिक्सटीन किलोग्राम मीटर पर सेकंड अब हम लोग क्या करेंगे पार्ट बी में हम लोगों ने फाइंड करना है कि न्यूटन लॉ से फोर्स को मोमेंटम के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं सो एवरेज फोर्स विल बी वी एवरेज विच इज इक्वल टू डेल्टा पी अवर डेल्टा टी जो के क्या है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट एवरेज फोर्स इक्वल टू सिक्सटीन डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो जो के मोमेंटम पी और टाइम टी की वैल्यूज़ हैं इट विल बी इक्वल टू आफ्टर सोल्यूशन थ्री ट्वेंटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड सो एवरेज फोर्स विल बी इक्वल टू थ्री ट्वेंटी न्यूटन यह है so, हमारे पास वो एवरेज फोर्स जो कि हमें रिक्वायर्ड थी थैंक यू